खूबसूरत है। हाय एवरीवन, एक और बिंग्स 3D नेम वीडियो एडिटिंग में आप सभी का स्वागत है। इस तरह की इमेज आपको क्रिएट करने के लिए सिंपली गूगल या क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली यहां सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर देना है एंड यहां से इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट बिंग लिख करके यहाँ पर सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट आपके सामने खुल करके आ जाएगी, इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर। इस लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर सरप्राइज मी का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप यहाँ पर पहली बार इमेज बनाना चाहते हो तो यहाँ पर अकाउंट लॉगिन करने का ऑप्शन आया होगा आपके पास। अगर आपके पास अभी तक अकाउंट लॉगिन नहीं है तो जल्दी से फटाफट अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। अकाउंट लॉगिन करने के बाद सिंपली यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना है, तो मैंने पहले से कॉपी करके रखा है तो यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से भावना और सुनील को हटा करके यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है, जो भी अपना नाम या अपनी जीएफ का नाम लिखना चाहते हो, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो। यहाँ पर लड़के और लड़की का नाम हटा करके अपना नाम लिख लेना है। लिखने के बाद सिंपली यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग प्रोसेस होने के बाद 10 से 15 सेकेंड यहाँ पर वेट कर लेना है आपको। वेट करने के बाद सिंपली ये अपनी इमेज बना करके दे देगा। और अगर आपको यहाँ पर दिन में 15 बार तक इमेज जनरेट करने का क्वाइन मिलता है, मेरे पास यहाँ पर 14 बचा हुआ है, तो कुछ इस तरह का नेम बना करके दे देगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो, इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ फ़ोटो पर टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ 3 डॉट वाले आइकन पर क्लिक कर 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो अब ये अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है तो फिर से यहाँ पर क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ ब्लैक की जगह वाइट कर लेना है। इतना करने के बाद सिंपली यहाँ भावना और सुनील को हटा करके कुछ और लिख लेना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सोनू और यहाँ पर संजय लिख लेते हैं। इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पिंक लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको हटा करके यहाँ पर ग्रीन लिख लेना है। ग्रीन लिखने के बाद सिंपली यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो थोड़ी देर में अपनी इमेज यहाँ पर फिर से बना करके दे देगा कुछ दूसरे ग्लो इफेक्ट के साथ में। तो फिर से आपको वेट कर लेना है 10 से 15 सेकेंड, तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं। थोड़ी देर में अपनी इमेज बन करके तैयार हो जाएगी, तो कुछ इस प्रकार से अपनी इमेज यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है। कितना बेहतरीन लग रहा है। इस फोटो लेयर पर टैप करना है और इसको डाउनलोड करने के लिए वही वाला प्रोग्राम 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो अपनी गैलरी में सेव हो जाएगी। अगर इसमें वीडियो बनाना चाहते हो तो इसको यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद सिंपली VR एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने खुल करके। यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड जो इमेज हमने अभी डाउनलोड की है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में आ जाना है एंड इसके ब्लैक वाटर मार्क पर टैप करके यहाँ से डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद फोटो लेयर पर टैप करना है एंड इसको यहाँ से 10 से 15 सेकेंड तक रख लेना है, तो मैं यहाँ पर 12 सेकेंड रख लेता हूँ। आप जितना रखना चाहते हो उतना रख लीजिए। रखने के बाद सबसे शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद सबसे ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर इसका इमेज साइज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है 9x16 का। सिलेक्ट करने के बाद इमेज साइज सिलेक्ट करने के बाद इसको दोनों उंगली से पकड़ के फोटो लेयर को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ बीच सेंटर में कुछ इस प्रकार से पकड़ के यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ नीचे आगे स्क्रॉल करना है एंड एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पर बीजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर कलर वाले सेक्शन में है तो इमेज वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ब्लर वाले ऑप्शन को 10 रख लेना है।
10 रखने के बाद इसको यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद सिंपली यहाँ इसका बॉर्डर शेडो देना है, तो बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैक सिलेक्ट करने के बाद विथ को अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, तो यहाँ मैं यहाँ पर 4 रख लेता हूँ। रखने के बाद इसको यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद सिंपली इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ ऊपर एरो वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से जिस भी रेजुलेशन या फ्रेम रेट के साथ एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसमें कर सकते हो और एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ये अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा। इतना करने के बाद डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से बैक कर लेना है। एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिंपली आपको VPN डाउनलोड कर लेना है, कोई सा भी VPN। मेरे पास सुपर VPN है। डाउनलोड करने के बाद जो भी परमिशन वगैरह मांगे वो सब कुछ अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड थोड़ा वेट कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से अपना VPN यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इसको भी यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद सिंपली फिर से गूगल या क्रोम पे चले जाना है। क्रोम पे आने बाद सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट लीक करके यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद फर्स्ट वाली लिंक आपके सामने खोल करके आ जाएगी, हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट लिंक 2024 वाली लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूज टेम्पलेट इन कैपकट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ये अपने कैपकट एप्लीकेशन में डायरेक्ट ओपन कर देगा यहाँ से। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ यूज टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड जो वीडियो हमने अभी VN से एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है एंड प्रीव्यू कर देना है। प्रीव्यू करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर इफेक्ट अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो आप। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से सेव एंड शेयर टू टिकटॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ये अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, साथ ही बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंस्टाग्राम से ट्रेंडिंग रील वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।